हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो यूपी में जो मेले होते हैं उनको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका एक नंबर पक्का कंफर्म होने वाला है। मैं हूं अंकित सक्सेना और आप देख रहे हैं स्टडी 24। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, जो आगरा में जो मेले लगते हैं और जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने वही लिए हैं और ट्रिक से याद कराऊंगा मैं। देखिए, आगरा, आगरा में आपको क्या पकड़ना है? आम। आगरा में क्या आता है? आम। अब देखिए, आप कहां का यूज करते हो? देखो, पहला मेला क्या है? कैलाश मेला। तो कैलाश में क्या आ रही? लास। ठीक है, कैलाश में क्या आ रही है? लास। तो लास किससे जलाओगे आप? तो आग से जलाओगे। ठीक है, दशहरा मेला। तो दशहरा, दशहरा में कौन किसको जलाते हैं? रावण को जलाते हैं। तो किससे जलाओगे? आग से। तीसरा क्या है? नवरात्रि मेला। नवरात्रि, तो रात्रि में रात्रि अंधेरा हो जाता था तो क्या करना, क्या करते थे लोग? रोशनी के लिए क्या जलाएंगे? आग जलाएंगे। और नवरात्रि में आप देखो दिए भी जलाए जाते हैं और दिए में क्या होती है? आग होती है। और बटेश्वर मेला, देखो इसको ध्यान से देखो, बटेश्वर, तो ईश्वर से मतलब क्या निकल के आ रहा है? ईश्वर। ठीक है, तो ईश्वर, अगर घर में आग लग जाए या कहीं आग लग जाए तो किसको याद करेंगे? बटेश्वर, मतलब ईश्वर को याद करेंगे। या आप ऐसे समझ लो कि किसी की बट खराब हो गई ना, बुद्धि खराब हो गई, तो कहां एडमिट करेंगे उसे? आगरा एडमिट करेंगे, क्योंकि आगरा में क्या है? पागलखाना है। ठीक है, या क्या आप दोनों में से कोई भी एडमिट कर लो, वरना दशहरे पे रावण जलाओगे तो आग, कैलाश लास, तो किस लास किसे जलाओगे? आग से। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो मेरे प्रयागराज या इलाहाबाद में लगते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रयागराज के ऑप्शन में आपका रहेगा, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज हो गया। ये कैसे आपको याद करना है? कुंभ मेला, कुंभ मेला आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जगह पे लगता है, प्रयागराज। तो कुंभ में जाना, कुंभ में जाने के लिए बहुत आपका क्या होना चाहिए? घर में बहुत राज होना चाहिए, राजा राजा टाइप की अपनी फीलिंग होनी चाहिए, राज होना चाहिए आपको। कभी आप जाओ कुंभ, बहुत बड़ा भारी कुंभ लगता है और कुंभ में होने के बाद आपको एकदम राजा वाली फीलिंग आती है, राज से ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। और कुंभ जो है वो 12 साल में लगता है और अर्ध कुंभ जो है वो 6 साल में लगता है। ठीक है, और कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो, कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो, और जो मेला है वो किसके साथ जाएंगे? अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, क्योंकि माध मेला है, माध मेला वो भी प्रयागराज में लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साइट में मैंने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माध मेला कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में। तो माँ को क्या पढ़ना है? माँ, क्योंकि कुंभ इतने बड़े मेले में आप जा रहे हो और अपनी माँ के बिना तो संभव ही नहीं है, तो अपनी माँ को क्या आप ले जाइए, चाहे कुंभ जाइए चाहे अर्ध कुंभ जाइए, अपनी माँ के साथ जाइए। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, और आपका नासिक में लगता है, और हरिद्वार। ये 4 दिन जो है आपको कुंभ मेला देखने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं लगता है। तो क्वेश्चन करके भी ऐसा भी याद आएगी इनमें से कौन सा मेला या कुंभ मेला है इनमें किस शहर में नहीं लगता है, तो प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। तो चलते हैं कुछ और मेले के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें देखते हैं कि ददरी मेला कहाँ लगता है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूं। देखो, ददरी में क्या है? दरी आ रहा है, दरी नहीं होता जो नीचे मैट बिछाई जाती है, ग्रीन कलर की ज्यादातर होती है, तो ये कब बिछाई जाती है? जब किसी पशु की बलि दी जाती है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, क्योंकि इसका आंसर क्या है? बलिया। तो क्या है? बलिया। तो बलिया से हमने क्या कर पकड़ा है? बलि। और बलि अगर किसी जानवर की आप दोगे तो क्या कैसे दोगे? दरी बिछा के, क्योंकि उसका खून निकलेगा तो वहां गिर जाएगा। नेक्स्ट क्या है? देवी पाटन मेला। अब देवी पाटन मतलब पटकना, देवी किसी को अगर पटकेगी तो उनके उन्हें बहुत क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो बल्लामपुर, बल्लामपुर ये गोंडा में पड़ता है, तो वहां एक जगह है बल्लामपुर, या गोंडा में एक जगह है। तो ऐसे भी आप ट्रिक कनेक्ट कर सकते हो कि पटक किसको पटकेगी, तो गुंडे को मतलब पटकेगी गोंडा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहां लगता है? तो ये कहां लगता है? हापुड़ में, हापुड़ में। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है कि हापुड़ आपको याद है?
गण मुक्त, मुक्त मतलब मुफ्त, मुफ्त की चीज अगर आपसे कहा जाए कि कौन लेगा, अगर आपसे कहा जाए कि मुफ्त की चीज चाहिए तो आप क्या कहोगे? हाँ चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुफ्त की चीज बहुत लोग ले लेते हैं, तो क्या कहोगे? हाँ मुझे चाहिए। तो आप पूछोगे मुफ्त में क्या मिल रहा है, तो हम कहेंगे पूरी, क्या मिल रही है पूरी, तो हाँ पूरी हो जाएगा। मुफ्त में चाहिए तो आप क्या बोलोगे? हाँ मुझे चाहिए, क्या चाहिए तो पूरी चाहिए। तो गढ़ मुख विषय मेरा कहाँ लगेगा? हापुड़ में। अब देखिए रट मारोगी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखिए ज्यादातर लोगों को याद रहता है कि कृष्ण भगवान जहाँ जन्म दिया है मथुरा में वहां पे होगी, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है काफी गहराई से पूछ लिया जाता है, तो इसका बिल्कुल एक्चुअल जगह क्या है? बरसाना, बरसाना में लगता है, और बरसाना का है तो मथुरा में, ठीक है। कभी कभी आपका ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा मथुरा, मथुरा बहुत इजी हो जाएगा, तो बरसाना देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो लठ मार कहते नहीं कि लठ इनके ऊपर बरसा दो, ठीक है, गांव में सब लड़ाई होती है तो वहां लोग क्या बोलते हैं कि लठ बरसा दो इनके ऊपर, तो बरसाना मतलब लठ खूब मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लेना बरसाना, गढ़ मुक्तेश्वर मुख में खाओगे? हाँ भैया खाएंगे, क्या खाओगे? पूरी खाएंगे, ठीक है। देवी पाटन, देवी को पटकने के लिए मतलब देवी जिसको पटकेगी तो बहुत बल लगाना पड़ेगा और राम जी का नाम लेना पड़ेगा, और किसे पटकेगी तो गुंडे को पटकेगी, या तो गुंडा आएगा या बलरामपुर, बलरामपुर ज्यादातर आता है। और दतरी मेला जो है वो दरी बिछा के क्या करेंगे, लोग बलि दे देंगे, जिससे जो ब्लड निकलेगा वो दरी पे आएगा, दरी उठा के फेंक देंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट मेले देख लेते हैं, दे रखा है कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है। देवा शरीफ आपको याद कैसे करना है, तो देवा शरीफ मेरा जो है वो कहां लगता है? बाराबंकी, बाराबंकी। अब आपको याद कैसे करना है, देखो जो शरीफ लोग होते हैं देवा शरीफ, शरीफ लोग होते हैं बाराबंकी, मतलब मंकी से वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि मंकी ने छेड़छाड़ कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजेक्शन लगाने पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद करते हैं देवा शरीफ, शरीफ लोग होते हैं वो भैया बाराबंकी, मतलब बाराबंकी मतलब मंकी, मंकी से वो क्या करते हैं? छेड़छाड़ नहीं करते हैं। या दूसरी ट्रिक ये है कि जो शरीफ लोग होते हैं उनसे लोग क्या करते हैं? बार बार मिलना चाहते हैं, बार बार मिलना चाहते हैं, तो बाराबंकी आ रहा है तो बार बार मिलना चाहते हैं शरीफ लोग, मंकी से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आप जो अच्छी लगे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ढाई घाट मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साइड पर मैंने देखा है ढाई घाट मेला कहा लगता है, तो शाहजहांपुर में। अब आपको याद कैसे करना है, देखो दो घाट हम लोग ढाई घाट है, ढाई घाट मतलब ऐसे करेंगे। अब देखो ये हम लोग अगर कोई घाट बनवाए तो या तो एक घाट बनवाएंगे, या तो दो घाट बनवाएंगे, या तो तीन घाट बनवाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत आम इंसान है तो ऐसे करके घाट बनवाएंगे। लेकिन ढाई घाट बनवाने का क्या तुक है कि दो घाट एक बनवाया और आधा घाट अलग बनवाया, तो ये काम जो है वो बहुत सहजा टाइप के लोग जो होते हैं वही काम करेंगे कि दो घाट नहीं बनवाए, ढाई घाट बनवाया थोड़ा सा स्पेशल हो जाए ढाई घाट, तो ढाई घाट जैसे काम, क्योंकि आपको सोचो अगर आपका मकान बनवाया तो आप एक मकान बनवाओगे, दो मकान बनवाओगे, ढाई मकान कहाँ बनवाएगा? तो ढाई घाट कौन बनवाएगा? तो सहजा, क्योंकि भाई सहजा है वो फेमस व्यक्ति है, ठीक है, तो उनका अपना ही रुतबा है कि ढाई घाट बनवा देते हैं जिससे फेमस हो जाएंगे, और साझा है तो कुछ स्पेशल तो कर नहीं है, वरना ढाई घाट तो कौन सोचेगा, या तो दो घाट सोचेगा या एक घाट सोचेगा, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर लेना। खिचड़ी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने कई साइड में इसको देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी अगर आप मान लीजिए आप घर पे गए, ठीक है, काम रात में काम से करके गए, थक गया और आपको होप थी कि अच्छा कुछ मिलेगा पनीर, और आपके सामने जो है खिचड़ी रख दी है कि बेटा आप खिचड़ी से ही काम चलाओ, तो आप क्या कहोगे? जो खिचड़ी लेके गो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ और पनीर वनीर ले जाओ, तो वो क्या बोल देगा? आप क्या बोलोगे उसे? गो, ये खिचड़ी लेके जाओ, गो, यहाँ पे मत रखो, ये ट्रिक है, ठीक है, गो और यहाँ पे मत रखो खिचड़ी, ठीक है, मैं पनीर खाऊंगा, ठीक है, मैं पनीर खाऊंगा, खिचड़ी गो करो मतलब ले जाओ, तो गो गो करो और मत रखो यहाँ पे खिचड़ी, मत रखो, मैं नहीं खाऊंगा, रखो, तो क्या बन गया हमारा? गोरखपुर, गोरखपुर। और आप ऐसे भी आप कर सकते हो, एक ट्रिक ये हो गई, और गोरखपुर से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहां ज्यादातर संत लोग रहते हैं, और संत लोग का जो खाना होता है ज्यादातर वो अपना खिचड़ी पसंद करते हैं, क्योंकि काफी ब्रह्मचर्य होता है, ज्यादा
मसाले वगैरह आपने नहीं खाना खाते हैं तो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए नौ चंदी। तो अगर किसी ने आपसे कहा कि नौ दिन के लिए आपको क्या देना है, चंदी देना है, चंदी मतलब चांदनी देना है या चांद पे आपको नौ दिन के लिए जाना है, तो आप ऐसे कह सकते हो नौ दिन की चंदी मतलब नौ दिन के लिए आपको चांद पे ले जाया जाए, तो आप क्या कहोगे कि हाँ मैं चलूंगा, क्या करूंगा मैं चलूंगा चांद पे मैं चलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ले चलेंगे तुमको, लेकिन वो चांद पे ले जाना आपको भूल गए, तो आपने बार बार उसकी रट लगाना शुरू कर दी, मुझे ले चलो नौ दिन के लिए ले चलो, नौ चंदी ले चलो, नौ दिन के लिए मुझे ले चलो, बार बार मुझे ले चलो मुझे ले चलो, बार बार रट लगा दी, तो मेरठ तो क्या हो जाएगा मेरठ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ये और ये तीन तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे अपना फीडबैक पता चल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा और